अक्सर यह देखकर मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, अचंभित हो जाता हूँ कि अनेकों लोग मनुष्य जीवन पाकर भी अपने आप को समझ नहीं पा रहे, अपने अमूल्य मनुष्य जीवन को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, अपने जीवन की महत्ता को नहीं समझ पा रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इतने सौभाग्य के बाद उन्हें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, अब इस जीवन का पूरा लाभ उन्हें लेना चाहिए, पूरी सजगता के साथ, सतर्कता के साथ अपने जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए, हमेशा क्षण प्रतिक्षण अच्छे और सकारात्मक क्रियाकलापों में खुद को समाहित करना चाहिए, खुद को शामिल करना चाहिए, क्षण प्रतिक्षण अच्छे कार्यों को अपने जीवन में करके इस सुअवसर का पूरा लाभ लेना चाहिए, अपने ज्ञान के चक्षुओं को जागृत करके हर क्षण कुमार्गों को, कुकर्मों को छोड़कर सतराहों की ओर बढ़ना चाहिए, सत्कर्मों की ओर बढ़ना चाहिए, सतचरित्रों की ओर बढ़ना चाहिए, सतराहों की ओर बढ़ना चाहिए। यद्यपि कि वे अपने इन नकारात्मक क्रियाकलापों से, पाप कर्मों की गतिविधियों से क्षण प्रतिक्षण दुखी तो रहते हैं, परेशान तो रहते हैं, व्याकुल और विचलित तो रहते हैं, उन्हें नकारात्मकताओं से उलझे हैं, यही उलझना ही उनके लिए दुख का कारण है, यही उलझना ही तो उनके लिए पीड़ादायक, परेशान करने का कारण है। परंतु दुर्भाग्यवश वे इस बात को संतुलित नहीं कर पाते, इस परिस्थिति को समन्वित नहीं कर पाते, अपने आप को संशोधित नहीं कर पाते, यही सबसे बड़ी समस्या है, यह केवल और केवल अज्ञान के कारण है। यदि उनके इस अज्ञान को नष्ट कर दिया जाए और उन्हें ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर दिया जाए तो मुझे लगता है उनका जीवन बदल सकता है, उनका जीवन परिवर्तित हो सकता है, वे भी अच्छे कार्य करके परिणाम स्वरूप सुख के भागी हो सकते हैं।